हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क से पूछे जाते हैं ना। 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, 20 से 21 क्वेश्चन ये आप फाइनल मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो एक और वीडियो देने वाला हूँ मैं, वो होगा आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसमें हम लोग आप लोग को बताएंगे 10 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 20 से 21 क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, जो आप लोगों को लगेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और वेबसाइट से जाके पढ़ भी सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उससे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह कोई वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे अगर लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, दबा दीजिए, और दबाने के साथ छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि यहाँ पे हम लोग जो है ना शॉर्ट में देखते चलेंगे कैसे आप लोग को लिखना है। पहला क्वेश्चन है ना कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक को लिखे। देखिए, अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र के लिए कल जो है ना, कल सेम क्वेश्चन आप लोग को अपलोड होगा दोस्तों इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए, ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं ना, उसके लिए भी कल वीडियो आने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है हिंदी मीडियम छात्रों के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका अपलोड करूँगा दोस्तों, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता है ना तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखे। देखिए, आप लोग को करना क्या है, संधारित्र की 2 धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक है, प्लेट का क्षेत्रफल और प्लेट के बीच की दूरी, ठीक है। हम लोग समझते चलेंगे यहाँ पे दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और यानी तो अगर आप लोग यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा। हम लोग चलिए सिर्फ क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है दोस्तों। आंसर तो आप लोग को यहाँ पर PDF के रूप में दे ही दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझते चलते हैं, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि संट क्या है, इसका उपयोग बताएं। संट का व्हाट इज संट, इसका जो यूज होता है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके दिया हूँ आप लोगों को कि संट क्या है, इसका उपयोग समझाएं, ठीक है, या फिर इसके 2 उपयोग लिखे, इस तरह के आप लोग को पूछा जा सकता है। तो यही आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंज का नियम जो है ना, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ पर तो थोड़ा आंसर को थोड़ा यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 नंबर कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, समझाए। लेंज का जो नियम है ना, वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी है, उसको आप लोग को बताना है कि समझाइए, ठीक है। यहाँ पे उत्तर भी लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। चौथा है कि प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखे, ठीक है। इसकी आवश्यक शर्तें जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर शर्त दिया गया है कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए, फिर दोनों प्रकाश स्रोत की आवृत्तियाँ तथा तरंगदैर्ध्य समान होना चाहिए, फिर प्रकाश स्रोत संकीर्ण रेखा छिद्र के रूप में होना चाहिए, दोनों तरंगों का ध्रुवन तल समान होना चाहिए। यही था दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, यही आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना कि OR गेट तथा एंड गेट की सत्यता सारणी का बुलियन व्यंजक प्राप्त करें, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही भिवीय है, इसको आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। या फिर आप लोग को पूछा सकता है नोट गेट और यहाँ पे और एंड और नोट, या फिर नॉट गेट का बुलियन व्यंजक आप लोग को पूछा जा सकता है। तो गेट के बारे में ना, यहाँ पे हम सिर्फ 1 क्वेश्चन दिए हैं, OR तथा एंड गेट। आप लोग को नोट गेट और NAND गेट जो है, ये दोनों पढ़ लेना है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए दोस्तों, और 1 भी क्वेश्चन इससे छूटे नहीं अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। फिर यहाँ 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना कि प्रतिरोध क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है, ऐसे लिखना है आप लोगों को, जिसके कारण वह विद्युत गमन में व्यर्थ जो बाधा डालता है, मतलब उसका जो किसी भी वस्तु को या फिर किसी मतलब कोई भी कण जो है ना, वो उसको प्रति यहाँ पर बाधा डालता है उसको गमन करने में। तो यहाँ पर इसी के बारे में आपको लिखना है कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी भी विद्युत गमन में व्यर्थ बाधा डालती है, ठीक है। इसका जो है माप जो है विभवांतर एवं धारा के अनुपात से होती है, मतलब V = IR जो होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, R = V/I, मतलब विभवांतर बटा धारा के अनुपात। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि विभवांतर, ठीक है, और धारा के अनुपात को हम लोग
प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्भर जो है ना यहाँ पे पदार्थ की प्रकृति और वस्तु की विमा पर निर्भर करती है, और यहाँ पे वस्तु का ताप और यहाँ पे अन्य भौतिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे 7 नंबर है कि व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आंसर भी दिए हैं, ठीक है, व्यतिकरण एवं विवर्तन में, तो ये आप लोगों को यहाँ पे रख लेना है याद, ठीक है, PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना कि आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो आँख की समंजन क्षमता से आप लोग को यहाँ पे लिखना है, पूरा आंसर डिटेल में दिया गया है दोस्तों, कहीं भी आप लोगों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख के दिया हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये आप लोग को यहाँ पे याद कर लेना है ये सब क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं कि एन तथा पी टाइप के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, एन तथा पी टाइप के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट करें, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप में क्या क्या होता है, 4 यहाँ पे अंतर दिया गया है दोस्तों, ठीक है, यही आपको लिख देना है वहाँ पे। अब 10 नंबर है कि वैद्युत विभव क्या है और इसका SI मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ परिभाषित होता है उसके लिए, ठीक है, और ये विभव पर ऐसा राशि है, और इसको जो इसका SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख दिया गया है, और ये फार्मूला भी लिख दिया गया है आपको इक्वेशन, और इसका जो है ना यह एक अदिश राशि है, और यह जो है ना एक इसका SI मात्रक है, वोल्ट होता है विद्युत विभव का, ठीक है, यही आपको लिखना है। ये जो ओम का नियम है ना दोस्तों बहुत ही भिव्य है क्लास 10th और क्लास 12th दोनों छात्रों के लिए, हर साल ओम का नियम जो है पूछ ही दिया जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पर याद कर लेना है ओम का नियम क्या होता है ना। अचर ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रभावी धारा के समानुपाती होता है, मतलब दोस्तों भी बराबर IR जो होता है ना, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, सॉरी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे सिरों का विभवांतर उसमें प्रभावी धारा के समानुपाती होता है, ठीक है, मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मतलब करेंट होता है, ठीक है, यही आपको लिख देना है कि अचर ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रभावी धारा के समानुपाती होता है, और ये सब फार्मूला लिख देना है आपको, या फिर ये लिख के आप लोगों को भी बराबर IR लिख के, या फिर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख के, ये जो आपको फार्मूला सिद्ध कर दोगे ना तभी आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए कि अगर किसी धारा और वोल्टता के आभासी मान 5 एम्पियर तथा 100 वोल्ट है तो उनके शिखर का मान क्या होगा। 10 ओम प्रतिरोध के आर पार उसमें उष्मन द्वारा कितना शक्ति जो है क्षय होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो ये हल भी किया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक है, इसका PDF हर छात्र जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के 2 शर्त लिखे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो ये आप लोग को यहाँ पर याद रख लेना है। फिर 14 नंबर आता है कि आकाश नीला क्यों होता है, ठीक है, तो आकाश नीला जो है ना क्यों होता है दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों आकाश नीला क्यों होता है ये आपको लिखना है कि आकाश जो नीला होने का कारण है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है आकाश नीला, और ये आपको लिख देना है दोस्तों यहाँ पे कि वायुमंडल में प्रकाश का परिकीर्णन वायु कणों द्वारा होता है, और ये सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना सारा चीज़ लिख देना है, ठीक है, एक बार पढ़ के आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। फिर आता है 15 नंबर कि लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, याद जरूर कीजिएगा इसको, 3 फरवरी जो है आपका एग्जाम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समान कला में सभी तरंग होते हैं, सभी तरंग समान तरंग लंबाई की होती है, सभी तरंग समान दिशा में चलती है, एवं सभी तरंगें उद्दीपित उत्सर्जन विधि से उत्पन्न होती है, ये आपको लिख देना है यहाँ पर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों बोला जा रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है, इसकी दक्षता, इसकी जो कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है और इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं, तो ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर आपको लिख देना है, और दक्षता बराबर होता है दोस्तों कि निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडुलन को परिभाषित करें और इसके प्रकारों को लिखें, तो मॉडुलन को यहाँ पे परिभाषित कर देना है दोस्तों आप लोगों को, इसका डेफिनेशन लिख देना है, और इसके 3 प्रकार होते हैं, तो ये आपको लिख देना है कि आयाम मॉडुलन होता है, कला मॉडुलन होता है, और आवृत्ति मॉडुलन होता है, ये आपको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 2020 के मॉडल सेट में भी क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कीजिएगा आप लोग। ये आपको लिखना है कि जब किसी धातु सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश विकिरण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जाने जाते हैं। उसके निम्नलिखित नियम है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, दो निम्नलिखित नियम है। फिर आता है कि प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों में दो अंतर लिखिए, तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय आपको लिख देना है। ये तीनों ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं ठोस द्रव्य, बल्कि ये तीनों अवस्थाओं में, यहाँ पे ये भी तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है दोस्तों, ये समांतर आने की चेष्टा करते हैं और ये लंबवत आने की चेष्टा करते हैं। इसका म्यू का मान जो थोड़ा अधिक होता है और इसका म्यू का मान जो है एक से कम होता है, ठीक है, और एक से इसका अधिक होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर और 21 नंबर, लास्ट दो क्वेश्चन कि रेखीय ध्रुवित प्रकाश की परिभाषित कीजिए और फोटोडायोड के दो उपयोग बताइए। ये जो फोटोडायोड वाला है दोस्तों, इसको जरूर याद कीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये रेखीय ध्रुवित प्रकाश क्या आपको परिभाषित कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 21 सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं 2 मार्क्स का। इसी तरह के आप लोगों को अगर चाहिए ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है दोस्तों आप लोगों को सिर्फ सेलेक्ट करके। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन को देखा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ना, और ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो जरूर इसको याद कीजिएगा और PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए इस चैनल को, ठीक है। कल जो वीडियो आने जा रहा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो सब्सक्राइब कर रखिएगा चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है।